इंग्लैंड के साहिल के करीब डूबने वाले जहाज पर 400 मिलियन पाउंड मालियत का सामान मौजूद था। मजीद ये कि ये वाला बहरी जहाज आखिर यूं खुश्की में क्यों फंसा हुआ है, और आज तक की तारीख में डूबने वाले सारे कंटेनर शिप में से ऐसा कौन सा जहाज डूबा जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और इसके कंटेनर्स में कौन कौन सा कीमती सामान ले जाया जा रहा था। आज की इस वीडियो में देखेंगे तारीख में अब तक डूबने वाले महंगे तीन कंटेनर शिप जिससे मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। जनवरी 2007 में एक MSC शिप बेल्जियम से अफ्रीका जा रहा था जिसका वजन 62,000 टन था और इसकी लंबाई 905 फुट थी, जिस पर 2300 कंटेनर्स मौजूद थे और इन कंटेनर्स में धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। जिस वक्त ये शिप ब्रिटनी फ्रांस के साहिल के करीब से गुजर रहा था तब इसे खौफनाक हवाओं के तूफान का सामना करना पड़ा। हवा की स्पीड 80 नॉट्स तक थी जबकि समंदर में चलने वाले बड़े से बड़े शिप की रफ्तार 20 नॉट्स तक होती है। जब शिप का सामना 80 नॉट्स से चलने वाली तेज हवाओं से हुआ तो इसका इंजन इन हवाओं के सामने बेबस नजर आया। शिप के कैप्टन ने जहाज को पोर्ट लैंड हार्बर बंदरगाह पे ले जाने का फैसला किया। अभी शिप बंदरगाह से कुछ फासले पे ही था कि हवाओं ने शिप का रुख मोड़ दिया और शिप बरतानिया के साहिल के करीब पानी के नीचे मौजूद समंदरी चट्टान से टकरा जाता है और इसी दौरान ये एक तरफ को होना शुरू हो जाता है। इसमें से 110 कंटेनर्स पानी में गिर जाते हैं लेकिन इस पर मौजूद अमले को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस शिप को रेस्क्यू करने में 120 मिलियन पाउंड का खर्चा आता है और आखिरकार इसे लाइम बे शिप यार्ड पहुंचा दिया जाता है। पर्ल सिंगापुर का रजिस्टर्ड कार्गो शिप था जो फरवरी 2021 में समंदर में लॉन्च किया गया। 3 माह बाद इस शिप पर इंतहाई खतरनाक आग लग गई जिससे ये सारे का सारा शिप तबाह हो गया। ये वाकया श्रीलंका के साहिल के करीब पेश आया और ये श्रीलंका की तारीख की बदतरीन माहौलियाती तबाही का हिस्सा थी। इस पर 1400 से ज्यादा कंटेनर्स मौजूद थे। 20 मई को श्रीलंका के साहिल पर लंगर अंदाज होने के दौरान जहाज में आग लग गई। इसे फौरन पोर्ट छोड़ने का हुक्म दिया गया। इस जहाज पे अमले के 25 अफराद भी मौजूद थे जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। इस जहाज को आग नाइट्रिक एसिड की वजह से लगी जो इस पे 25 टन के लगभग मौजूद था। इस हादसे से ना सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि आबी आलूदगी से मछलियों और श्रीलंका के साहिलों पे रहने वाले माहीगीरों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि इस हादसे के बाद माहीगीरी पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इस शिप से टोटल 200 से 300 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 4 अप्रैल 2012 को सेंट जॉन्स नामी एक कार्गो शिप तूफानी हवाओं के बाइस साहिल पे जा लगा और जब समंदरी तूफान कम हुआ तो ये जहाज खुश्की पे ही रह गया। ये कार्गो शिप एक करीबी कान से चूना पत्थर लोड कर रहा था कि जब शदीद किस्म का हवाओं का तूफान आया और इस जहाज को करीबी चट्टानों पे धकेल दिया जिससे ये जहाज ना निकल सके। अमले को 2 लाइफ बोट की मदद से बचा लिया गया और इस शिप में मौजूद ईंधन को भी निकाल लिया गया ताकि ईंधन लीक होने की वजह से आबी मखलूक को नुकसान ना हो। इस शिप को यहाँ से निकालने के लिए इसकी लागत से भी डबल खर्च आएगा लिहाजा इसे यही छोड़ने का फैसला किया गया क्योंकि अगर इस शिप को यहाँ से स्क्रैप भी किया जाए तब भी आमदनी से ज्यादा लागत आएगी। अगर इससे होने वाले नुकसान की बात करें तो सिर्फ इस जहाज की लागत 30 मिलियन डॉलर है जिसका कंपनी को नुकसान हुआ। वीडियो को आगे बढ़ाएं मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाते रहें। इनफैक्ट अगर आपने मिस्र में मौजूद द पैरामिड ऑफ गिज़ा के बारे दिलचस्प हकाइक पर मबनी वीडियो देखनी हो तो वो वीडियो लिंक इस वीडियो के आखिर में मौजूद होगा जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। 6 मार्च 2018 को सिंगापुर से स्विस जाते हुए एक 1100 फुट लंबे कंटेनर शिप में आग भड़क उठी जब वो बहरे अरब में सफर कर रहा होता है। इस वक्त जहाज पे अमले के 27 अफराद सवार थे जिनमें से सिर्फ 23 अफराद को बचाया जा सका।
बाकी चार आदमी शिप पे लगी आग की लपेट में आ गए। इस शिप पे लगी आग को मुसलसल एक माह तक बुझाने की कोशिश की जाती रही। जब शिप मुकम्मल सामान के साथ जल गया तब इसे दुबई की बंदरगाह पे ले जाया गया। इस शिप पे आग ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड की वजह से लगी, जिसे सोडियम डाइक्लोरो ऑटोसियानोरेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, और ये माद शिप पे इस वक्त 1000 टन के लगभग था। ये आतिशगीर मादा है जो समंदर के नमकीन पानी से रिएक्शन करके जलना शुरू कर देता है। इस आने से कंपनी को $200 मिलियन का नुकसान हुआ। 5 अक्टूबर 2011 को एमवी एरिना न्यूजीलैंड के शुमाल मशरकी साहिल के गिर्द सफर कर रहा होता है। ये शिप अपनी मंजिल पे पहुंचने से सिर्फ चंद मील पहले डूब गया। इस वक्त इसकी स्पीड 7 नॉट्स या यूं कह लें कि 20 मील फी घंटा से भी कम थी। इस शिप पे 1300 कंटेनर्स मौजूद थे जिनमें 1,00,000 टन से ज्यादा सामान था, और इस वक्त शिप में 1700 टन से ज्यादा ईंधन भी मौजूद था। बंदरगाह के करीब जाते हुए ये शिप समंदर के अंदर मौजूद एक चट्टान से टकरा जाता है। ये न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में बदतरीन समंदरी माहौलियाती तबाही हुई। इस शिप से 200 टन के करीब ईंधन समंदर में बह गया और 300 से भी ज्यादा कंटेनर समंदर में गिर गए। 14 अप्रैल तक जहाज दो हिस्सों में तकसीम हो गया और एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। इस शिप्स के डूबने का सबसे ज्यादा खतरा आबी मखलूक को हो सकता था, क्योंकि इस शिप पर भी कई टन वजनी जहरीला मादा मौजूद था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों ने मिलकर इस जहाज के बाकी बचे हुए हिस्से को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू किया। इस शिप्स के मालिक को टोटल $700 मिलियन का नुकसान हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो किए गए उन पे अलग से खर्च आया। और सबसे एंड पे है स्विस केनाल में फंसने वाला एवरग्रीन जहाज। 23 मार्च 2021 को स्विस केनाल में फंसने वाला एवरग्रीन दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। स्विस केनाल के 150 साल दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस केनाल से रोजाना की बुनियाद पे $9.6 बिलियन मालियत का कार्गो गुजरता है। अगरचे इस शिप को तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने 6 दिन तक तकरीबन पूरी दुनिया की तिजारत को रोक दिया और इस दौरान कई मुल्कों में टॉयलेट टिश्यू की किल्लत हो गई। ये मर्चेंट नेवी की तारीख में अब तक होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपना रखें ख्याल, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।